हेलो अपने घर का समझ हेलो सब अपने घर नहीं जा उधर साइड मुझे कर सुन यही हूं गाड़ी के पास यहां बस खड़ी गई हूं अब ऊपर जा रहा हूं अंदर नीचे उतर गया इधर ऊपर चल रहा था मैंने देखा था तो ये हां नीचे एक कुर्सी उर्सी में इसमें हां नहीं ये सीधी गली है ना अरे हां नहीं यहीं पे ना पागल छेद भी तो है ना एक वहां हां वो छेद जो है यहां से हमारे पास के सामान इधर बाहर कर ले हां आराम से कोई डरने की जरूरत नहीं सामान तुमको वही देंगे दोस्तों आ जाओ क्या भैया उधर आप देख सकते हो यहाँ पर एक कोबरा सांप है और हमें यहाँ पर फोटो भेज दी गई थी सांप की तब ये छत के ऊपर था और आप देख सकते हो किस प्रकार से ड्रम के अंदर में बैठा है और एक जहरीला सांप कोबरा सांप है और स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों परिवार में जब सांप आ जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल बन जाता है और जब दहशत का माहौल बनता है दोस्तों तो हमको इस दहशत को दूर करने के लिए इनका रेस्क्यू करना पड़ता है क्योंकि इनकी भी जान बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि पर्यावरण के लिए दोस्तों ये सांप बहुत ही जरूरी होता है और सभी सांपों को पर्यावरण में रहने का अधिकार है तो आइए लेके चलते हैं पर्यावरण की ओर देखते रहना उसको चला गया अबे लिपट गई ड्रम नहीं ना फट गया वो अबे ये कौन सा ड्रम है ये कौन सा ड्रम है दवाई का ड्रम है वो दवाई का ड्रम ये मेरे पास वो मामा जी भागने वाले थे दोस्तों
अभी जिस सांप का हमने रेस्क्यू किया कोबरा सांप है, बहुत ही जहरीला सांप है, इसके अंदर में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है दोस्तों। इसे कुछ जगह पर गेहूं और खरीस के नाम से जानते हैं और इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, हिंदी में नाक, और साइंस से इसे दोस्तों नाजा नाजा के नाम से पुकारता है। तो ये बहुत ही जहरीला सांप है, जब भी किसी को सांप दिखाई दे तो ध्यान रखना है कि सांप को मारना नहीं है, क्योंकि सांप पर्यावरण का हिस्सा है और सांप को मारना दोस्तों कानूनन अपराध है। तो इसका हमने रेस्क्यू कर चुके हैं और इसे लेके चलेंगे पर्यावरण की ओर। दोस्तों हमारा कार्य अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम है श्रीकांत विश्वकर्मा स्नेक सेवर। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।